हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो कि है बहुत बेहतर तरीका से और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो कि है हम आपको बताने वाले हैं जो कि है बोर्ड परीक्षा में जो कि है बेहतरीन ढंग से कॉपी कैसे लिखे। आखिर बोर्ड परीक्षा में हमने कॉपी किस प्रकार से लिखा था कि जो कि हमको जो कि है एक बेहतरीन मार्क्स मिला था। ठीक है, मैं भी अपने जमाने में बोर्ड परीक्षा में छोटे मोटे एक टॉपर रह चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने किस तरह से आखिर कॉपी लिखा था कि जो कि हमको जो कि एक बेहतरीन अंक मिला बोर्ड परीक्षा में, वही जो कि है आपको रूल्स बताने वाले हैं। यदि आप भी फॉलो करते हैं तो आपको जो कि है बोर्ड परीक्षा में जो कि है अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है आपको बता दे कि आप बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा तो सबसे पहले जो कि है आपको वहां पर धैर्यपूर्ण रहना होगा, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए आप में। ठीक है, ये बात क्लियर है? नहीं ना रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जब एग्जामिनर हॉल में बैठिएगा तो वहां पर जो कि है आपको किसी भी प्रकार की इधर उधर जो कि है ताक झाक नहीं करना है। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर जो कि है आपको जो कि जब कॉपी मिलेगा जो कि आपको जितना बजे मिले, ठीक है, तो कॉपी जब को मिलेगा तो आपके पास पूरा समय आएगा कितना, 3 घंटा 15 मिनट का समय आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो कि है 15 मिनट रहता है जो कि आपको जो कि है रोल नंबर, रोल कोड, कॉपी नंबर का फलान ठिकान उसको जो कि है अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर, रोल कोड और कॉपी नंबर। ठीक है, और एंसर कॉपी नंबर सबसे यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही आपका रिजल्ट जो कि है पेंडिंग में डालता है, यही जो कि है आपके जो कि आपका जो कि है गलती से आपका रिजल्ट जो कि है पेंडिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले घबराना नहीं है, एक प्रश्न छूट जाए कोई बात नहीं, मगर जो कि कॉपी नंबर और आंसर कॉपी नंबर अच्छा से भरना होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 घंटा 15 मिनट में। तो इसमें जो कि है सबसे पहले जो कि आपको क्या करना होगा, कॉपी जब मिलेगा तो जो कि प्रश्न पत्र पहले मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो कि कॉपी मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें सबसे पहले जो कि है आपको ऑब्जेक्टिव रखना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी कॉपी नंबर आएंगे और ऑब्जेक्टिव के भी कॉपी नंबर होंगे। ठीक है, तो उसको भी आपको भरना होगा एकदम बेहतरीन से, एक एक अंक देख देख के कि एक है, दो है, तीन है, उसको देख देख के भरना है, ताकि एक बार नहीं भरना है, एक बार देखें, एक बार फिर भरें, एक बार देखें, एक बार फिर भरें, यानी एक एक अंक करके भरना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बोर्ड परीक्षा में जो कि है कॉपी को कैसे लिखा जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बाद में बताएंगे, पहले सब्जेक्टिव पर बताते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सब कोई कर लेता है, सब्जेक्टिव में ही फंस जाते हैं, सब्जेक्टिव में अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं, इसलिए जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव में आपका कोई नंबर नहीं कर सकता है, लेकिन आपका जो कि सब्जेक्टिव में नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी से नहीं लिखे रहते हैं, तरीका से नहीं लिखता, तरीका से लिखिएगा तो आपको जो कि है नंबर कोई भी टीचर जो कि है आप नंबर नहीं काटेगा, आपका दुश्मन है कि नंबर काटेगा, आप अच्छा से लिख रहिएगा खुद दे देगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है आप जो कि कॉपी खोलिएगा तो उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ पे जो कि अति लघु जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें जो कि मान लीजिए फर्स्ट प्रश्न है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, उसके बाद जो कि उसमें कुछ नहीं रहेगा, और ना ही जो कि ऊपर में जो कि है निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न को, निम्नलिखित में से 20 प्रश्न दिए गए हैं उनमें 10 प्रश्न का उत्तर दें यह लिखा रहेगा। ठीक है, और ना ही इसमें लिखा रहेगा कि 30 शब्द में दें कि 40 शब्द में दें कि 50 शब्द में, यही स्टूडेंट को नहीं बुझाता है कि हम 2 नंबर के क्वेश्चन में आखिर कितने शब्दों में आंसर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कि 2 नंबर का जो कि आंसर जो कि होगा, आंसर जो कि आप उत्तर जो देने वाले होंगे वह जो कि आपका आंसर होना चाहिए कितना, 40 से 50 और 60 के बीच में होना चाहिए, 50 रहेगा तो आपका बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, 30 शब्द में आंसर देके आ जाते हो 2 नंबरिया सवाल के, इसीलिए उसमें जो कि एक नंबर डेढ़ नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसको हमको एक नंबर डेढ़ नंबर चाहिए, हमको चाहिए तो 2 में 2 चाहिए एकदम ठोक के। ठीक है, तो इसी को बताने वाले हैं, चलिए इसको शुरू किया जाए। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले जो कि आपको यहाँ पे लिख देना है, सबसे पहले इस पर जो कि इधर रहेगा आपका चौथाई, इधर रहेगा आपका जो कि एग्जाम जो टीचर एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर छेड़छाड़, इधर उसका हस्ताक्षर यहाँ रहेगा, खुद हस्ताक्षर कर देगा वो। ठीक है, इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर जो कि है आपका रहेगा चौथाई। ठीक है, तो चौथाई में जो कि रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, सबसे पहले जो कि आपको दिया रहेगा यहाँ पे तो आप लिख देना है शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे लिख के ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए ऊपर में, इधर से छोड़ देना है, बीच में ना इधर इधर कहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो कि है अब चलना है प्रश्न नंबर 1 पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि इधर चौथाई में आपको लिखना है प्रश्न संख्या
प्रश्न नंबर जो कि है आपका एक, ठीक है। तो प्रश्न नंबर में आपको प्रश्न जो कि है वो नहीं उतारना है। मान लीजिए दिया है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह प्रश्न आया भी है आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में, ठीक है। तो यह पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको सबसे पहले लिखने के लिए यहाँ पे आएगा आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका उत्तर, तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। वैसे हम यहाँ से लिखे हैं, तो आपको जो कि है इसके नीचे वाले लाइन से लिखना है सब, उसमें जो कि आप बोर्ड परीक्षा में जब बैठेगा तो वहाँ पे जो कि है आपका जो कि है सब लाइनिंग रहता है, ठीक है। तो उसी लाइनिंग में एक बेहतरीन राइटिंग के अनुसार आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो अब आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, अब इसको हमको उत्तर देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ प्रश्न लिखना है, उसके बाद इसके नीचे से उत्तर इसके नीचे वाले लाइन से लिखना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो कि है क्या, जो कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल लेकर, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 अणु का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा हम कैसे लिखें, उसके बाद क्या करना होगा, आप मान लीजिए लिख दिए ये दो नंबर का प्रश्न है, उसके बाद इसमें जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है जो कि सभी स्टूडेंट नहीं करेंगे गारंटी है, उसमें जो कि आपको यह बात लिखना है उपरोक्त परिभाषा से, ठीक है। ये हर प्रश्न में नहीं लिखना है, जो प्रश्न ऐसा रहेगा उसी में लिखना है, उपरोक्त परिभाषा से यह आपको समीकरण लिख देना है, ठीक है। कार्बन प्लस में जल प्लस में सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति आपको दो नंबर जिसे कोई भी टीचर एक नंबर नहीं दे सकता है, ठीक। तो आप लोग समझ गए कि कॉपी कैसे लिखना है, आपको जो कि सबसे पहले प्रश्न दे देना है यहाँ पे, नहीं कुछ भी नहीं लिखना है, उसके नीचे वाले लाइन से आपको आंसर लिखना है और ऐसा ही बेहतरीन राइटिंग के अनुसार आपको लिखना होगा। इधर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, इधर भी नहीं जाना चाहिए, इधर भी आपका जो कि खाली प्रश्न पत्र, प्रश्न नंबर और उत्तर संख्या रहेगा, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे भी दे देना है उत्तर नंबर, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब जाइएगा तो लाइन बाय लाइन ही हम प्रश्न को करेंगे, हम जो कि हमारा एक नंबर प्रश्न नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पर तीन नंबर भी दे सकते हैं, चार नंबर भी दे सकते हैं, पांच नंबर भी दे सकते हैं, छह नंबर भी दे सकते हैं, आपका जहां से मन करे आपको जो प्रश्न आ रहा है पहले उसी को बनाए। ये जरूरी नहीं है कि ना हम एक ही नंबर बनाएंगे, हमको जो आएगा वो बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न आप कर दीजिए, मान लीजिए 10 को दिया है, 100 का 100 जो कि आप जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर दीजिए। अब आइए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको वैसा ही करना है, यहाँ पे जो कि है काट के हटा देना है, उसके बाद लिख देना है जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम, प्रश्न नंबर फलाना यानी जो भी हो, उसके बाद उत्तर नंबर फलाना, उसके बाद आपको जो कि है बेहतरीन ढंग से जो कि है कम से कम जो कि है आपको 150 शब्द में जो कि है पांच नंबरिया क्वेश्चन है तो आपको लिखना होगा, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो कि है एक बेहतरीन कॉपी कैसा लिखा जाए ताकि हमको अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में जो कि है अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।